नमस्कार साथियों, हंसवाणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित एक और प्रश्नोत्तरी क्विज के साथ हम रूबरू हुए हैं। ये जो क्विज है वो टेलीग्राम चैनल पर चल रही है, तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है और प्रश्न है आपका, कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान के लिए प्रारंभ में क्या नाम प्रयुक्त किया गया था? अब चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से एक आपका उत्तर है। आप उत्तर सही दोगे तो आपके लिए फूल बरसेंगे, अन्यथा क्रॉस मार्क आएगा। तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए प्रारंभ में क्या शब्द दिया था? राजस्थान। 72% विद्यार्थियों का उत्तर सही है, बाकी 28% विद्यार्थियों का उत्तर गलत है। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर दो की ओर। बिल्कुल छोटी सी क्लास है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। राजस्थान प्रदेश के लिए राजस्थानी आदित्य नामक किस ग्रंथ या अभिलेख में उल्लेखित है? राजस्थानी आदित्य जो शब्द है वो कहाँ पर लिखित है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, भाबरू शिलालेख, बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख, राजरूपक। बसंतगढ़ शिलालेख में, जी हाँ, 43% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। और एक ये जो निशान दिया हुआ है बल्ब का सा, उस पर ओके करके देखते हैं तो क्या है, विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण बसंतगढ़ के शिलालेख में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। साथियों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर तीन बिल्कुल ये आसान है। अलवर का प्राचीन नाम क्या है? अलोर, अलूरी, अलूवीरागढ़, अलूवीरावास, अलूदागढ़। तो सभी को पता है क्या नाम है, अलोर, उत्तर नंबर एक। 72% विद्यार्थियों का उत्तर सही है और 28% विद्यार्थियों का उत्तर गलत है। साथियों प्रश्न नंबर चार की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चार आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्राचीन ताम्रवर्ती नगरी को वर्तमान में क्या कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, आहड़ नगरी, मालपुरा। आपका उत्तर है आहड़, जहां आहड़ सभ्यता है। 86% विद्यार्थियों का उत्तर सही है, बाकी 14% ने गलत उत्तर दिया है। साथियों ये जो क्विज है वो टेलीग्राम चैनल पर चल रही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न नंबर पांच आपकी स्क्रीन पर फिर हाजिर है। प्रदेश की विभिन्न स्थलों एवं उनके प्रचलित उपनामों का कौन सा जोड़ा है वो गलत है, आपको सही उत्तर देना है। दिवेर, मेवाड़ का मैराथन, रेड प्राचीन भारत का टाटा नगर, किराड़ू राजस्थान का खजुराहो, हल्दीघाटी राजस्थान का वेलोर। यानी इनमें से कौन सा उत्तर को क्या पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा है वो गलत है, तो आपको गलत का उत्तर देना है। तो ये देखो नीचे देख रखा ना, हल्दीघाटी राजस्थान का वेलोर, ये गलत जोड़ा है। तो 83% विद्यार्थियों का सही उत्तर आया। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। हल्दीघाटी को राजस्थान की थर्मोपोली कहा जाता है और वेलोर भैंसरोड़गढ़ दुर्ग को कहा गया है, तो ये ऑप्शन गलत था और हमारा उत्तर था। साथियों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर छह की ओर। छह नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गंगानगर राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी। यहां पर सही उत्तर देखना है और तो गलत है। राउत भाटा को अनुनगरी कहते हैं, भरतपुर राजस्थान का सिंहद्वार है, भिंड देवरा राजस्थान का खजुराहो है। इसमें से कौन सा आपका उत्तर सही है? तो मेरे ख्याल में दो नंबर उत्तर सही है, राउत भाटा अनुनगरी। देखते हैं, बिल्कुल 33% विद्यार्थियों ने ये उत्तर दिया जो आपका सही है, बाकी विद्यार्थियों का ये उत्तर गलत है। तो अब बात करते हैं, गंगानगर को राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी नहीं कहा जाता। उत्तरी सीमा का प्रहरी तो है भटनेर दुर्ग, गंगानगर तो है अन्न का कटोरा। गंगानगर क्या है? अन्न का कटोरा। फिर भरतपुर को राजस्थान का सिंहद्वार नहीं कहा गया, अलवर को सिंहद्वार कहा गया है। और भिंड देवरा राजस्थान का खजुराहो नहीं है, राजस्थान का खजुराहो मिनी खजुराहो है। भिंड देवरा राजस्थान का मिनी खजुराहो है, बल्कि खजुराहो तो किराड़ू है। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर सात आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। राजस्थान का नेहरू किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? एक नंबर पंडित जुगलकिशोर चतुर्वेदी, राम मनोहर लोहिया, मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल। तो आपका उत्तर है पंडित जुगलकिशोर चतुर्वेदी। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका हाजिर है आठ। आठ नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान के पहले एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? महाराजा भवानी सिंह, उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह, उदयपुर महाराणा भीम सिंह और जयपुर महाराजा स्वाईमान सिंह। तो आपका उत्तर नंबर चार है, जयपुर महाराजा स्वाईमान सिंह। यानी 29% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं 57% कह रहे हैं उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह, जो आपका उत्तर गलत है। और कुछ विद्यार्थी बता रहे हैं 14% है वो उदयपुर महाराणा भीम सिंह बता रहे हैं, वो भी आपका गलत है।
उत्तर सही है जयपुर महाराजा स्वाई मान सिंह। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर फिर हाजिर है। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन, वसुंधरा राजे। अच्छा ऊपर प्रश्न में क्या है, असंगत बताना है, और तो संगत है यानी सही है, गलत क्या है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सही है, प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल ये भी सही है, राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह ये भी सही है, राज्य की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कांता भटनागर। ये आपका उत्तर गलत है, क्योंकि विधानसभा उपाध्यक्ष पहली थी तारा भंडारी। कौन थी, तारा भंडारी। तो कांता भटनागर कौन थी, कांता भटनागर है, और राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। यानी राज्य की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थी, तारा भंडारी थी, और कांता भटनागर तो कौन थी, राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन है, राजकुमारी तेलंग, वीणा सहारन, नम्रता भट्ट, मधु भट्ट, तेलंग। बताइए फटाफट आप उत्तर दीजिए। मेरे ख्याल में मधु भट्ट तेलंग है, बिल्कुल 43% विद्यार्थियों का उत्तर सही है, बाकी का गलत है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली प्रथम राजस्थानी महिला कौन थी, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली प्रथम राजस्थानी महिला कौन थी, श्रीमती पार्वती गहलोत, श्रीमती कांता भटनागर, श्रीमती जानकी देवी बजाज, श्रीमती रतन शास्त्री। तो आपका उत्तर है श्रीमती जानकी देवी बजाज, सभी विद्यार्थियों का उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर, मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम राजस्थानी महिला कौन है, जानकी देवी बजाज, रतन शास्त्री, अरुणा रॉय, गिरिजा व्यास। मैग्सेसे पुरस्कार अरुणा रॉय आपका उत्तर, 67% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, प्रश्न 13 क्या कह रहा है, राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला कौन है जिन्हें पद्म श्री एवं पद्म भूषण दोनों से सम्मानित किया गया, श्रीमती रतन शास्त्री, श्रीमती जानकी देवी बजाज, श्रीमती अरुणा राय, श्रीमती शारदा भार्गव। हाँ आपके उत्तर का इंतजार है, श्रीमती रतन शास्त्री। 50% विद्यार्थियों का उत्तर सही है कि राजस्थान की प्रथम एकमात्र महिला जिसे पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों पुरस्कार दिए गए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर फिर हाजिर है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, यानी आपको गलत जानना है। पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम पुरुष कंवर सेन थे क्या, बिल्कुल थे। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम पुरुष घनश्याम दास बिरला थे क्या, बिल्कुल थे। आगे है परमवीर चक्र विजेता प्रथम व्यक्ति मेजर पीरू सिंह, बिल्कुल ये भी थे। अशोक चक्र विजेता प्रथम व्यक्ति तो मूल सिंह नहीं थे जी, ये नहीं थे, क्योंकि परमवीर चक्र है वो मिला था, परमवीर क्या अशोक चक्र है वो मिला था आपके हवलदार शंभू सिंह को मिला था। तो ये उत्तर है आपका, 40% विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान के कौन से चिकित्सक कृत्रिम पैर के जनक कहे जाते हैं, तो डॉक्टर पी के सेठी, जयपुर के डॉक्टर पी के सेठी है वो कृत्रिम पैर के जनक कहे जाते हैं। यानी अगर किसी की टांग टूट जाती है तो ये पीओपी वगैरह वो प्लास्टिक वगैरह या जिससे सर्जरी वगैरह करके ये कृत्रिम पैर बनाने के माहिर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर राजस्थान हाजिर है, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है, राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हिंदी। मेरे ख्याल में तो राजस्थानी होनी चाहिए, कोई कहेगा मारवाड़ी मेवाड़ी, लेकिन इनमें से नहीं, हमारी राजभाषा है हिंदी, क्योंकि राजस्थानी को तो मान्यता ही प्राप्त नहीं है, संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है भाई राजस्थानी भाषा को, तो हिंदी हमारी राजभाषा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, केसरिया पालम पधारो नी मारे देश क्या है, राज्य गीत, राज्य लोकनाट्य, नृत्य, घूमर क्या है, बिल्कुल ये गीत है, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, 83% विद्यार्थियों का उत्तर सही। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18, सालो प्रदेश कौन सा क्षेत्र कहलाता था, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, अलवर का इलाका, अरावली पर्वतीय प्रदेश, जोधपुर का दक्षिण भाग। विद्यार्थियों अगर आपने महाभारत देखी है तो महाभारत में सबसे पहले सालो प्रदेश की चर्चा होती है, कब, जब गंगा पुत्र देवव्रत या भीष्म है वो अपना घोड़ा लेकर जाता है और सालो राजकुमार को हरा देता है, उसके बाद एक बार और उनकी भिड़ंत होती है, तो वो सालो प्रदेश है जो वर्तमान अलवर का इलाका है, 50% विद्यार्थियों का उत्तर सही। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ, भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहां किया गया, पोखरण, जैसलमेर, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, फुलेरा, जयपुर, डीडवाना, नागौर। हाँ क्या कहा गया, भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहां किया गया, पोखरण, जैसलमेर में किया गया, 86% विद्यार्थियों का उत्तर सही है। अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था, श्रीमाल, जयनगर, गंग शहर, रामनगर, बिल्कुल आप ये नाम था रामनगर,
57% विद्यार्थियों का उत्तर सही है और 43 कह रहे हैं गंग शहर जो बिल्कुल गलत है। गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? रामनगर था। तात्कालीन महाराजा गंगा सिंह के नाम पर इसे गंगानगर नाम रखा गया, श्री गंगानगर नाम रखा गया। तो इस प्रकार से आपके ये 20 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, ये आप अभ्यास करते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो साथियों अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।